बंदर बच्चे, रुक जा। मेरा टीवी का के बच्चे कहा जा रहा है हा, हा। मैं टीवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा। अरे टीवी तो घर के अंदर है। बाहर कैसे देखेगा रुक जा। अरे यहाँ चुका बोला था की उसको बहुत ही ज्यादा अकेला अकेला लगता है इसलिए मैं उसके लिए ये बंदर लेके आया था पर ये बंदर तो बहुत ही शरारती है ये मेरा रिमोट लेके भाग रहा है रुक जा बंदर मेरा रिमोट दे दे मुझे टीवी पर न्यूज देखनी है

हम आ चुके अपने घर पर और फटाफट से टीवी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सेंटोस में ब्रेकिंग न्यूज कौन बनेगा अरब पति में आपका स्वागत है हम वापस आ चुके हैं कौन बनेगा अरब पति का शो लेकर और इस शो में तुम में से जो भी ये टीवी देख रहे हैं उनमें से कोई बन सकता है अरब पति मतलब एक बिलियनियर पिछले साल हमने किए थे दस चैलेंजेस बिलियनर बनने के लिए पर इस बार शो में सिर्फ दो चैलेंजेस करने और तुम बन सकते बिलिनर तो अगर तुम बनना चाहते हो बिलिनर तो जल्दी जल्दी इस एड्रेस पर आ जाइए और बन जाइए थे और फिर एक जना सिर्फ दो कॉम्पिटिशन होने वाले हैं पिछली बार मैं तो पहले राउंड में निकल गया था पर इस बार हम पहले राउंड में नहीं निकलेंगे हम बिलिनर बन के रहेंगे चलो फटाफट से चलते उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं हु हु मैं भी चलूंगा मुझे भी बिलिनर बनना है अबे बंदर तुझे बिलिनर की स्पेलिंग भी आती है हो, हो, हा, हा, पी

ज्यादा बढ़ने वाले और अगर आप चाहते हो हमारे चांसेस और डबल ट्रिपल हो जाए तो आप सबको कमेंट करना पड़ेगा गुड लक फ्रेंकलिन जल्दी जल्दी गुड लक फ्रेंकलिन कमेंट कर दो हु, अगर आप चाहते हो तो दो और अभी चेंग चेंग तक तो तो बनने वाले हैं एक अरबपति यानी बेर चलो तुम लोगों का स्वागत है कौन बनेगा अरबपति वाले चैलेंज में हमारे चारों कंटेस्टेंट आ चुके हैं हमने तुम सबको सेलेक्ट किया है इस लड़के को सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये काला था और इसको क्योंकि एक बंदर है और इसको ए, इसको किसने सेलेक्ट किया अरे अंकल मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ you cool. अच्छा अच्छा और ये बहुत ही मोटा है इसलिए हमने इन सबको सेलेक्ट किया है चलो मैं बताता दो तुमको चैलेंज में करना क्या है ये तुम्हारा पहला चैलेंज होने वाला है अपनी अपनी गाड़ियां उठा के जाना है फुल स्पीड में यहाँ से ऊपर 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 नीचे 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 ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल है अगर तुम नीचे पानी में गिरे तो सीधा हो जाओगे डिस्कालीफाई यहाँ पर अपनी गाड़ी चेंज करके इस रोड पर अपनी गाड़ी को भगाते भगाते जाना है और यहाँ से खूज जाना है यहाँ से बोट्स लेके जाना है फिनिशिंग लाइन पर चैलेंज तो मैंने समझा दिया याद रखना अगर तुमने दोनों चैलेंजेस जीत लिए तो तुम बन जाओगे एक बिलियनियर सबसे पहले मेरे दोस्त का बेटा जाएगा जाओ okay, अंकल थैंक यू अंकल मैं जाऊंगा और बिलियनियर बन के दिखाऊंगा तो कह सर अब आप देख सकते हो सबसे पहला चैलेंज स्टार्ट हो चुका है सबसे पहले इनके दोस्त का बेटा जाने वाला है इन्होंने मुझे सेलेक्ट इसलिए किया क्यूँकी मैं काला हूँ <laughs> मुझे वो तो सेलेक्ट किए अबे तू तो बंदर है ठीक है अरे देखना मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगा तो गाइजर अभी देखते हैं इसके दोस्त का बेटा क्या करने वाला है अभी फुल स्पीड में गाड़ी को भगाते हुए जा रहा है और गाड़ी यहां पर रुक चुकी है चलो गाइजर देखते हैं क्या ये चैलेंज कंप्लीट कर सकता है और सेकंड चैलेंज में जा सकता है मेरे साथ ओ, 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 हा, हा, तुम सेकंड चैलेंज में नहीं जाने वाले। जाएगा बंदर याद रखना सेकंड चैलेंज बहुत ही मुश्किल है इस चैलेंज को करने के चांसेस चाज्टी परसेंट पर मतलब मुश्किल तो तो होना ही पड़ेगा देखते क्या होने वाला है अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी ये क्या इसकी गाड़ी तो यहाँ पर उल्टी हो चुकी है और ये होता है डिस्कालीफाई हमारे पहला कॉम्पिटिटर तो गिर गया बंद, बंद रखेगा अरे मैंने देखो आज तक पिंजरे बंद नहीं किया और तुम मुझे बंद करेगा ये तो चीटिंग है तुम्हें तो पिंजरे बंद करके तुम्हारे मुंह में केला खाऊंगा मजा आ जाएगा मुझे चैनल जल्दी जीतना और एक का कुछ भी हो जाए इस बंदर ये चैलेंज भी जीत सकता अगर ये चैलेंज जीत गया तो ये मेरी जिंदगी खराब कर देगा तो फटाफट से कमेंट में लिख दो बैड लक टू बंदर और गुड लक लिखना बिल्कुल भी, भी मत बोलना

अंदर फाइनली मैं अपना पहला चैलेंज जीत चुका हूँ अब बस मुझे दूसरा चैलेंज जीतना है और उसके बाद मैं बन जाऊंगा एक खतरनाक सा अरबपति बिलेनियर चलो चलो फटाफट से चलते हैं फिनिशिंग लाइन आ रहे हैं हम और कैसर ये आ गए हम फिनिशिंग लाइन पर तो इसी के साथ हमारा पहला चैलेंज होता है कंप्लीट बहुत बढ़िया पहले कंटेस्टेंट ने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया मोटे तुम्हारी बारी मेरी बारी आ गई मुझे थोड़ी भूख लग रही है पर कोई बात नहीं एक बार मैं बिलिनर बन जाऊं फिर मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा हा 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 अगर मैं बिलिनर बन गया फिर तो मैं रोज चीज भरकर खा सकता हूँ एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक मजा आएगा चलो फटावट से चलते इस चैलेंज को जीत जाते हैं मुझे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पीनी है ये बर्गर खाऊंगा तो कैसे अभी आप देख सकते हो तो, ये मोटा अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जा रहे मैं इस चैलेंज को डायरेक्ट कंप्लीट करूंगा वो भी पद मार के <laughs> Sí, ¿Qué crees el rey! ये मेरा स्पेशल टैलेंट है आ, 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 आ। और ये क्या ये तो डायरेक्ट बोर्ड के पास पहुंच चुका है तुम देखना मैं सारे चैलेंज जीत जाऊंगा क्योंकि मुझे अनलिमिटेड बर्गर चाहिए अरे मोटे मेरी बात सुन मुझे ये चैलेंज जीतने दे सारे मैं तुझे अनलिमिटेड बर्गर ला दूंगा। मुझे तो डायमंड वाले बर्गर चाहिए पूरे डायमंड और रूबी से बने हुए क्या डायमंड के बर्गर ये मोटे तो बिल्कुल ही पागल है और ये क्या ये तो फिनिशिंग लाइन की तरफ क्या करूं? इसके ऊपर बम फेंक दूंगा नहीं यार बम तो मिलाए नहीं अरे नहीं नहीं ये तो आ गया ये ले लड़के मैं आ गया फिनिशिंग लाइन पर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था बहुत बढ़िया तुम दोनों ने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया अब तुम दोनों जाने वाले हो आखिरी फिनाले में और उसमें जो भी जीतेगा वो बनने वाला है अरबपति और एक बनेगा रोडपति और याद रखना दूसरा चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है तो चलो बिना किसी के चलते हैं दूसरे चैलेंज पर तुम दोनों का स्वागत है आखिरी चैलेंज में यह चैलेंज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और याद रखना तुम बनने वालों एक बिलिनर ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा होने वाला है अगर तुम ये चैलेंज जीत गए तो अरे पर चैलेंज क्या है वो तो बताओ अरे हाँ मुझे भी बताओ मुझे भूख लग रही है बाबा जी पोर्टल खोल दो तुम्हारे सामने यहाँ पर एक पोर्टल खुल चुका है ये पोर्टल तुम्हें लेके चाहे एक खतरनाक सी दुनिया में उस दुनिया में एक घर है प्रभाकर हाउस उस प्रभाकर हाउस में एक खतरनाक सी भूतनी रहती है तुम्हें उस भूतनी को खत्म करना पड़ेगा तुम्हें सब की सब वहाँ पर मिल जाएगी उसको खत्म करने के लिए अगर तुमने उस भूतनी को मार दिया तो तुम बनने वाले हो बिलिनर और ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा क्या भूतनी के पास जाना पड़ेगा और अगर उस भूतनी ने हमें मार दिया तो वो तो बाद में ही पता चलेगा क्या तुम तैयार हो पहले मोटे को भेजो नहीं पहले इसको भेजो नहीं नहीं पहले मोटा जाएगा मेरी बात सुनो तुम दोनों एक साथ जाने वाले हो पर अलग अलग वर्ल्ड में इन बाबा ने बना दिए दो दो वर्ल्ड उस भूतनी वाले जो भी भूतनी को हराएगा उसको ये सारा पैसा मिलेगा और जो भूतनी को नहीं हरा पाया उसको मैं इस पहाड़ ऐसी धक्का दे के मार दूंगा तो क्या तुम तैयार हो आ, मैं तैयार तो नहीं हूँ कोई बात नहीं जाना तो पड़ेगा जाओ अरे मुझे किसी भूतनी ऐसी डर नहीं लगता हूँ तो कहीं सर अभी वो मोटा तो जा चुका है अपन को भी जाना पड़ेगा उस खतरनाक सी भूतनी से लड़ने के लिए मुझे भूतों से बहुत ही डर लगता है पर जाना तो पड़ेगा चलो फटाफट पड़ से चलते अंदर ये क्या ये कहा गया मैं तो कहीं सर अभी आप देख सकते हो लगता है मैं उस उस वर्ल्ड में आ चुका जहां पर मुझे उस भूतनी को पकड़ना है और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रात हो रखी है और ये कौन से जंगल में मैं आ चुका हूं? मुझे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा थोड़ी बहुत यहाँ पर लाइट है तो कुछ समझ आ रहा है तो चलो देखते सामने कुछ ना कुछ साइन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है पेशाब करना मना है मैं थोड़ा पेशाब करने आया हूँ जाओ लगता है किसी घर है प्रभाकर 2478, तो मुझे लगता है मुझे इसी घर में जाना है ये आसपास मुझे कोई और घर नहीं दिख रहा तो चलो यार फटाफट से इस गेट को खोलते हैं और इस गेट की खुलने की आवाज भी बहुत ही खतरनाक थी एक सेकेंड वहां पर क्या चल रहा है भूतनी है क्या

ये क्या पर ये कुलाड़ी किसने रख रखी है पूरी की पूरी खून से भरी हुई है हमें यहाँ पर वो डंडा पड़ेगा का देखते पर मिलेगा यहाँ पर, विमल, विमल पर चलकर देखते क्या है क्या यहाँ पर हमें डंडा मिलने वाला है डर गया मुझे लगा ये कुछ खतरनाक भूत है पर चूहे पर ये तो वो कौवे भगाने वाला है क्या यहाँ पर हमें डंडा मिलेगा डंडा

अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गिरा ये ग्लास कैसे गिरा नीचे अरे यार, यार अभी से मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है यहाँ पर कुछ है क्या हमारा काम का यहाँ पर चाकू पड़ा है पर मुझे ये लगता है मैं एक भूत को चाकू से मार पाऊंगा तो देखते हैं क्या हमें और कुछ काम का मिलने वाला है यहाँ पर एक और गेट है कितने गेट है हम इस बेड के नीचे छुप सकते हैं अगर कोई भूत भूत आया तो फटाफट से ये गेट खोल पर मुझे गेट करो, अरे गेट गेट से मुझे है गेट बंद करते हैं पर तो भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है पर मुझे फिर भी डर लग रहा है। इस टीवी को क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा वो बोतनी उसी साइड पर है। मैं उतर नहीं जाने वाला इस रूम में देखते क्या है क्या इधर हमें कुछ मिलने वाला है ये क्या है काली गुड़िया चलो इसको भी यहाँ पर अपने पास रख लेते हैं देखते क्या काम आएगी यहाँ पर तलवार पड़ी क्या आय

ये गेट यहाँ पर अपने आप यहाँ पर खुल चुका है और यहाँ पर मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है वो कमला दीदी गई कहा मुझे लगता है मुझे उसी रूम में वापस से जाना चाहिए यहाँ पर तो सिर्फ अंधेरा कुछ दिखाई दे रहा यहाँ पर एक और गेट है और ये यह ये क्या क्या पर तो एक खतरनाक सी आग लग रही है और क्या? तुलसी का पौधा लगता है को। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या कुछ खतरनाक मिलने वाला है यहाँ पर तो झूला दे रखा है एक यहाँ पर क्या है लॉक्ड फ्रॉम बिलो ये क्या चीज है हमें उस कमला को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए यहाँ पर क्या है एक सेकेंड

प्रेयर प्लेट सॉल्ट बोल प्रेयर बुक और कलश पॉट ये सब कहा मिलेगा मुझे नहीं पता पर वो बहुत बहुत ही ही ज्यादा है चलो यार देखते हैं फटाफट से सारा सामान जमा करते हैं पर एक घोड़ा क्यों पड़ा है मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें चाहिए तो मुझे जल्दी जल्दी से ढूंढने निकल जाना चाहिए यहाँ पर लेटर पड़ा है मुझे लेटर बटर नहीं चाहिए चालू नहीं करना मुझे यहाँ पर डर लगने इधर देखते हैं क्या हमें इधर कुछ मिलने वाला है यहाँ पर भी गुटके के पैकेट पड़े हैं क्या यहाँ पर कुछ है यहाँ पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर यहाँ पर मुझे भगवान की मूर्ति

नीचे आने वाली है इसको देखते हैं यहाँ पर हमें रखना है फटाफट फड़ से रख देते हैं और यहाँ पर हम बोलेंगे ओम भागो 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 अरे मैं भागी परा मेरा स्टैमिना बहुत ही ज्यादा कम है मुझे जल्दी से जाकर छुपना पड़ेगा बेड के नीचे लेट्स गो अभी यहाँ पर हम चुप चुके रुचा मुझे उसकी आवाज आ रही है उसके मुझे लगता है वो जा चुकी है। अब हमें अगला सामान निकालना शुरू कर देना चाहिए ये क्या है यहाँ पर ये मच्छर मारने की किसने लगा है यहाँ पर अब कहा जाया जाए चलो फटाफट से देखते हैं इधर चल कर क्या मिलने वाला है यहाँ पर क्या हो रहा है अब मुझे बाकी का भी सारा सामान चाहिए अभी मुझे सिर्फ एक ही दामन मिला रही हूँ फीलिंग शायद नो नो आई नो फीलिंग शायद भागो 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 नहीं 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 नहीं

तो को सर अब ये बोती तो फिर से यहाँ पर आ गई और हमारी दूसरी लाइफ में जा चुकी है ये क्या चल रहा है ये ये तो बहुत ही खतरनाक है है अभी हम पर पर मंत्र गा रहे हैं और डॉल मिल चुकी है। इसका करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा अभी अभी तक तक मैंने सिर्फ एक सामान ढूंढा है और इस ने मुझे दो बार ऑलरेडी मार दिया है ये कौन है ये क्या कमला है क्या पता नहीं कौन है चलो फटाफट से ऐसे निकलते हैं ये गेट तो यहाँ से बंद है मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे बाहर तो कहे सर अब यहाँ पर मुझे एक छाता मिल चुका है इसको मुझे लगता है गेट तोड़ना पड़ेगा इससे और ये टूट गया अब हम यहाँ पर निकल चुके कमला ने हमें इस जेल के अंदर डाल दिया था अब हमारी आखिरी लाइफ हमारे पास बची है कमला को पकड़ने की चलो देखते हैं क्या कर पाएंगे अभी मैंने सिर्फ एक चीज रखी है और उसने इससे हालत खराब कर दी बाकी चीजें रखेंगे तो पता नहीं क्या होगा और ये एक और डॉल मिल चुकी है इसका करना क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है पर ये मिलती तो जा रही तो मैं लेता जा रहा हूँ मुझे ज्यादा आवाज भी नहीं करनी है ध्यान रखना पड़ेगा एक सेकंड सेकंड एक नहीं 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 मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मैं मर गया मैं मर गया गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मैं मर गया बाय बाय दीदी अब मैंने अपनी डेथ एक्सेप्ट ही कर ली थी हाँ दीदी मुझे पता है मुझे मारने वाले हो अरे ये क्या जिसके ऊपर मैं इसको जलाने वाला था इसने मुझे जला दिया मृत्यु हमारी मृत्यु हो चुकी है डेथ हो गई हमारी गेम ओवर बचाओ मैं तो मर गया एक सेकंड मैं वापस यहाँ पर कैसे आ गया तुमसे पहले तो मैं आ गया बच्चे तुम दोनों में से कोई भी चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया तुम दोनों वापस आ गए क्या ये मोटा मेरी नहीं कर पाया तुम भी तो नहीं कर पाए अब क्या होगा ये पैसा आधा आधा बटेगा क्या मुझे चलेगा मुझे भी चलेगा नहीं बच्चे ये पैसा आधा आधा नहीं बटेगा ये पैसा जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम उस भूतने को नहीं मार देते तो जाओ प्रैक्टिस करके आओ मुझे नहीं पता कुछ भी करो पर कल हम इसी टाइम पर वापस से मिलेंगे और हम तुम्हें वापस से बेचेंगे उस भूतनी के पास अरे ये क्या हो गया वो भूतनी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उसने हम दोनों को पकड़ के मार दिया तो आज तो मैं ये पैसे नहीं जीत पाया पर कैसे इन अंकल ने बोला कल वापिस आने के लिए प्रैक्टिस करके ताकि हम उस भूतनी को कल हरा सके तो चलो यार अभी तो यहाँ ऐसी चलते हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी ताकि हम उस

बताना क्या आपको देखना है पार्ट टू कमला भूतनी का तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बता देना तो कहीं सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय